बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर, ह्यूमैनिटी वज़ीराबाद जो एनजीओ है, जैसे आप सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से तकरीबन 125 के करीब फैमिली को हर रोज़ सब्ज़ी की जो है ना वो फ्री फराहमी कर रहे थे, राशन की फ्री फराहमी कर रहे थे। लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के तावन से ये तादाद तकरीबन 185 घरानों के करीब चली गई है। रोज़ाना की बुनियादों पर हमारी कोशिश होती है कि हम 185 घरानों को सब्ज़ी तकसीम करें। आज मैं इस टाइम वज़ीराबाद के इलाके ठठा फ़कीरुल्लाह में ख़ुद खड़ा हूँ और मैं अपनी टीम के मेम्बरान यूनस अकरम और सारे बच्चों के साथ जो कि रोज़ाना की बुनियादों पर सब्ज़ी को तकसीम करते हैं, मैंने आज इस तमाम प्रोसेस ख़ुद मॉनिटर भी किया है जो कि फ़िज़िकली है। यहाँ पे आके मुझे कुछ नए इंकशाफात भी हुए हैं। एक तो ये कि इलाका बहुत ही पसमंदा, बहुत ही ज़्यादा गुरबत वाला इलाका है, क्योंकि मैंने जिन बच्चों को यहाँ पे देखा है, मैंने जिन ख़वातीन को यहाँ पे देखा है, मैंने जिन बुज़ुर्गों को यहाँ पे देखा है, दे रियली डिज़र्व इट। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही बिलो द पावर्टी लेवल ये रह रहे हैं। तो एक तो जो स्टेट की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो ज़ाहिर बात है स्टेट अदा करेगी, लेकिन जो इंसानी बुनियादों पर, नेशनल लेवल पर, ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर जो हम ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हम सबको उठानी चाहिए। तो अगर सर्व ह्यूमैनिटी वज़ीराबाद इस ज़िम्मेदारी को उठाने में एक कदम आगे बढ़ा चुकी है, तो अब ये आप सब की इखलाकी ज़िम्मेदारी है, ये आप सब की समाजी ज़िम्मेदारी है कि आप सब हमारे साथ इस नेक काम में तावन करें। यहाँ पे अभी भी बहुत सारी ऐसी आबादी है जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है, और ना सिर्फ इस ठठा फ़कीरुल्लाह में बल्कि वज़ीराबाद तहसील में और बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें हम जाके काम करना चाहते हैं। ये जो हमारे पास लिस्ट है इसमें ऐसे ऐसे नाम मैंने देखे हैं कि जो लोग सब्ज़ी ले रहे हैं शायद उनमें से किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके वालदैन नहीं, वालिद साहब नहीं हैं, तो ऐसे लोग दे आर ट्रूली डिज़र्विंग। और फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो हम जितनी नेकियां कर सकें वो हज़ार गुना होकर वापस आएंगी। ये तिजारत आपकी अल्लाह के साथ है, अपनी ज़ात के साथ है, ये वो हक है जो आपने ज़मीन पर रहने का लोगों का अदा करना। तो मेरी आप तमाम लोगों से इस वीडियो के ज़रिए दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ तक मेरा ये पैगाम पहुँचे खुदारा इस नेक अमल में, किसी और एनजीओ के थ्रू भी, मुझे ये फ़र्क नहीं है कि आप सिर्फ सर्व ह्यूमैनिटी को सेलेक्ट करें, लेकिन प्लीज़ लेट्स स्टार्ट टू थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी बिकॉज ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। अगर इंसान इंसानियत के रुतबे पर फाइज नहीं होता तो यकीन जानिए जानवर भी दुनिया में आते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, खाना भी खाते हैं और मर जाते हैं, तो फिर एक इंसान में और जानवर में कोई फ़र्ज़ नहीं रह जाएगा अगर सिर्फ और सिर्फ एहसास निकाल दिया जाए। अल्लाह ताला आपका, मेरा और सर्व ह्यूमैनिटी वज़ीराबाद का हामी व नासिर हो।